बाराबंकी जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 30 बेड के कोविड वार्ड का उद्घाटन बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत और जिला अधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह के कर कमलों के द्वारा हुआ। इसी के साथ युद्ध स्तर पर जिला अधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह के द्वारा स्वयं ग्राउंड जीरो पर उतर कर कोविड अस्पतालों को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही है। कुछ ही दिन पहले सिरोली गोसपुर में बने कोविड L1+ अस्पताल का निरीक्षण करने जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह पहुंचे। जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान पूरा स्वास्थ्य महकमा मौजूद रहा। जिलाधिकारी ने अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में स्वास्थ्य अधिकारियों को युद्ध स्तर पर तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए थे। ग्रामीण क्षेत्र में कोविड L1+ 100 बेड का अस्पताल शुरू होने से कई तहसीलों के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। कुछ ही दिन में शुरू हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए कोविड-19 अस्पताल। जिलाधिकारी और CMO ने अस्पताल में लग रही 45+ वैक्सीन की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली थी। जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह की सराहनीय पहल को लेकर WHO ने उत्तर प्रदेश बाराबंकी की सराहना की है। नव भारत समाचार के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ से जितेंद्र शुक्ला। सर, आज यहाँ आपने निरीक्षण किया है, तो किस तरीके का सर ये निरीक्षण है? ये शासन के निर्देशों के क्रम में हमें यहाँ पर L1+ स्तर का कोविड चिकित्सालय हम लोग जल्दी आरंभ करने वाले हैं। प्रयास कर रहे हैं कि अगले 2-3 दिन में आरंभ कर दें, ताकि ये एक हमारे जनपद मुख्यालय से दूर का इलाका पड़ता है, तो यहाँ के मरीजों को कुछ सहूलियत मिल सके। जो कोविड मरीज़ हैं उनको हम एक प्राथमिक उपचार कम से कम यहाँ प्रदान कर सकें, उसी संबंध में आज यहाँ आए थे। देख रहे थे सारी जो व्यवस्थाएँ होनी चाहिए वो सब निर्देश दिया है कि अगले 2-3 दिन में उनको पूर्ण कर लिया जाए, ताकि हम इसका संचालन जल्दी आरंभ कर सकें।